ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नो देवी प्रचोदयात् ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। जोरदार तालियां हो जावे सावधान की मुद्रा में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अगुवाई करने के लिए पधारी का को मनाते हुए हमारे बीच पधारे हैं। सभी से मिलते हुए इस भारत से जितने भी महापुरुष इस भारत भारत माता की पधारी जयकारा और ऊपर हाथ करके सभी को भारत माता की जय हो। जय हिंद जय भारत करते हुए सभी के साथ एक भारत अखंड भारत मेरा भारत महान भारत। क्या भाव है हमारे हुए हमारे परेड के जवान आदरणीय मित्रा साहब और कार में आपके पीछे हमारे विभाग के सीबीओ साहब आदरणीय पूनम सिंह जी सोलंकी साहब पधारिएगा। आज सभी भव्य मंच को सलामी ले रहे हैं आदरणीय बिट्टा साहब वीर भगत सिंह प्लाटो सलामी देते हुए वीर भगत सिंह प्लाटो अनुशासन के साथ बंधे हुए एकता भगवान राम के लिए सारा तर्पण कर दिया चंदा की ठहल फैल सैल मुसलत है 1200 तरण ये हुए हैं धारण की। आज का ये पूरा मालगांव परिसर सुसज्जित है और आप सभी देशवासियों ने इनको मान सम्मान देते हुए हमारे बीच आमंत्रण दिया। नाम सुना है किसी ने सुनाया है किसी ने पढ़ा है लेकिन आज वो नाम हमारे बीच लाइव उपस्थित है। मैं चाहूंगा बेटा साहब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा अभिनंदन कीजिएगा। अरे कौन है बेटा साहब एक पगड़ी की नई पहचान है बिट्टा साहब। कौन है बिट्टा साहब जिन्होंने 14 बार आतंकवादी हमले झेले हैं वो है बिट्टा साहब। अरे कौन है बिट्टा साहब जिन्होंने 3-3 बमबारी के हमले झेले हैं वो है बिट्टा साहब। अरे कौन है बिट्टा साहब जो देश के शहीदों के परिवारों की व्यवस्था संभालते हैं वो है बिट्टा साहब। अरे कौन है बिट्टा साहब जो पंजाब में जन्म लेकर के अखंड भारत की यात्रा करते हैं वो है बिट्टा साहब। अरे कौन है बिट्टा साहब अरे कौन है बिट्टा साहब अविता साहब वो है मैं रहो ना रहो मेरा देश रहना चाहिए वो है बिट्टा साहब। तो के वक्त घर से निकलते थे तो कहते थे शाम चिरागों में सजा रखी है चंद लोगों ने हवाओं में लगा रखी है अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और उनकी कुर्बानी उसके हाथों के बाद यह मातृभूमि आजाद हुई। आज मैं किस तरीके से पूरे सिंधवी परिवार का धन्यवाद करूं प्रकाश जी ललित जी और यहां के मेरे
मामा शाह और मेरे भाइयों, इस राजस्थान की बहादुर धरती के, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जिन्होंने उन लालों को जन्म दिया, किसी ने आजादी की रक्षा की, किसी ने देश को आजादी लेके दी, और ये महाराणा प्रताप योद्धों की धरती, बहुत बड़ा इतिहास है इस राजस्थान का, जहां की संस्कृति, यहां का कल्चर, यहां का इतिहास हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है, सुना जाता है। उस इतिहास को हम हर जगह पे बताते हैं। कई जगह की संस्कृति इतिहासों को बदल दिया गया, उनके कल्चर उनको बदल दिया गया, पर राजस्थान की वो धरती, शहीदों की मिट्टी, जहां का इतिहास बदला नहीं, जहां की संस्कृति बदली नहीं, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे पिता समान ने अन्न की खातर, इज्जत की खातर बहुत कुर्बानियां दी हैं, पर इस संस्कृति को हमेशा जिंदा रखा है और हमेशा जिंदा रहेगी। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले अगर एजुकेशन सेंटर तैयार किया, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो केवी सिंह जी परिवार हो, वो सबसे पहले ऐसे भामाशाह इन्होंने तैयार किए हिंदुस्तान के नौजवानों को नई एजुकेशन देने के लिए, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए। और वो कयामत, वो इतिहास आज भी लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। हमारे गांव के बच्चे अच्छी एजुकेशन लेके, कोई सांसद बने, को अब्दुल कलाम बने, को किरण बेदी बने, को हिंदुस्तान की आजादी की रक्षा करे, को हिंदुस्तान का जनरल बने, उसको किसी तरह की कमी ना आए। भारत माता की। एक होते हैं जैन समाज के संत, कड़क सर्दी हो, कड़क गर्मी हो, नंगे पांव इस काली सड़क के ऊपर चलते हैं। कभी सोचना वो अपने लिए ही नहीं चलते, अपने मां बाप को छोड़कर, मां बाप बच्चों को छोड़कर के मानवता की सेवा करने वाले अरबों खरबों पर। अभी केवी सिंह जी परिवार की एक छोटी बेटी, नौ साल की बच्ची, 500 एकड़ का आश्रम, एक भारतता की रक्षा, और उनकी घर की बच्ची, 9 साल की बच्ची, सब कुछ छोड़ करके आपके लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, भगवान महावीर जी के संदेशों को लेकर, आदि नास्ती के संदेशों को लेकर के एक संत महात्मा बन जाती है, कहां ये इतिहास लिखा है। एक तन पे कपड़े नहीं, कड़क सर्दी कड़क गर्मी, वो संत महात्मा, एक कपड़ों में जो संत महात्मा आपके सामने बैठे हैं, मैं इनके आगे सिर झुकाता हूं, केवी सिंह जी परिवार के, जिनको अपने नाम की लगन नहीं कि ये सिंह जी परिवार ने किया है, उनकी एक ही इच्छा है, जिस गांव में जमे पले, जिस गांव में हम पैदा हुए, वहां किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, है वो इंसान, उसकी सेवा के लिए, चाहे हम अमेरिका चले गए, चाहे हम दुबई चले गए, चाहे हम सूरत चले गए, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, पर हमारा दिल इस महाराणा प्रताप की धरती, राजस्थान की धरती, इस गांव से जुड़ा हुआ है। ये इनसे सत्कार वंदे वंदे। आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर, गणतंत्र दिवस के ऊपर शपथ लेते हैं भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। वंदे वंदे भारत माता की। भारत माता।
बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत साधुवाद साहब। परिवार आदरणीय सीबीओ साहब के कर कमलों से पुरुष और कोमल कुमारी स्वागत कीजिएगा, इस्तकबाल कीजिएगा, अभिनंदन कीजिए, धन्यवाद साहब। हमारा सजा देंगे और खुशियों की दौलत हम आप पर लुटा देंगे। उन्होंने सब कुछ अर्पण ही किया है। आज दरबार आरती का शगुन कितना बखत करावे, अभिनंदन करावे और कुछ पर कुछ भेंट 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 शुभारंभ उषा एंड पार्टी। जय हो पुकारती हिंदुस्तान, जय जय राजस्थान, जय जय भारत माता की जय। साहबगंज साहब जितने भी बंधु पधारे हैं उन सभी से भी निवेदन है, आप कृपया करके शांतिपूर्वक बैठ जाइए और अगली सतु सतु सुधी गाड़ी डाले।